ये सब काम है, प्लस इवनिंग एक मीटिंग है 5 बजे बैंगलोर में वापस। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कल से अपडेट भी आएगा। 8 बज रहा है, फर्स्ट क्लास नहाया फटाफट। चलिए दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज अब फार्म जा रहा हूँ, अभी निकलना है, तैयार हो गया, तकरीबन 10 बज रहा है। बीच में एक छोटा सा वो है, उसके बाद अनदर आधे घंटे में मेरे ख्याल से निकलने का टाइम हो जाएगा। आज जो है फार्म में एक रिचार्ज पिट का काम है, बोरवेल रिचार्ज, डायरेक्ट बोरवेल रिचार्ज पिट का काम, तो वो करना है, उसका पूरी मार्किंग और कैसे कैसे करना है सबको समझाना है, और फिर प्लांटेशन का मार्किंग करनी है। ये बड़ा क्रूशियल होता है, ठीक से मार्किंग कर दो तो लाइफ लॉन्ग पेड़ों को करेक्ट छाया शेड वो सब मिलती है। तो ये सब काम है, प्लस इवनिंग एक मीटिंग है 5 बजे बैंगलोर में वापस। तो आज भी 150 किलोमीटर की जर्नी। चलिए निकलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जैसे कि मैं बता रहा था कि आज अभी फार्म जाना है। फार्म में मेन काम जो है वो आज मार्किंग का और बोरवेल रिचार्ज पिट। तो ये बोरवेल रिचार्ज पिट का एक मैं वीडियो बना के उसमें डालूंगा, व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट इन अर्बन लिविंग और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ लिविंग। वी आर जस्ट सिंपली टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड रिसोर्सेज एक्वाफायर्स, बट वी आर नॉट रिचार्जिंग देम बैक। This is the best way, and normal course takes long time. This is the best way to recharge water into the aquifers. Good rainwater, clean, good rainwater, if it is nicely, you know, pumped back or not pumped back, sent back to the Mother Earth into the aquifers. We will have water in the aquifers year after year without any problem. But if we just keep taking out, then what happens over a period of 4-5 years, borewell जो है अपने आप ही पानी उनका सूख जाता है और वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और फिर धीरे 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 करके पूरे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज जो है आपके वो वाटर डिप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम वही इस पे बात करेंगे, वीडियो जो है पूरा, और बाकी प्लांटेशन मार्किंग तो है ही, ये मेन फोकस एरिया है आज का, जिसमें कि आज ज़्यादा ज्ञान और वो सब होगा, और वी विल पुट इट बैक एज अ यू नो टोटल यूनिट, प्री चार्जिंग और पोस्ट चार्जिंग वो सब का एक कंप्लीट वीडियो एज ए डॉक्यूमेंट्री और इन फार्मिंग चैनल में भी डाल देंगे, है ना। तो अब बने रहिए, थोड़ा जर्नी वगैरह दिखाते हैं आपको, एंजॉय द जर्नी।
पहुंच गए फार्म। चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। स्टोन पिचिंग, ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಚಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರೆ ಯಾರ್ ಶಾಕ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ये देखिए, दिस इज बोरवेल रिचार्ज पिट न्यू मतलब अब ना इतमी. सो इस बोरवेल रिचार्ज पिट में आपको ये देखिए, ये लाइन दिख रही है, ये 5 फीट है नीचे से. नीचे भी एक लाइन दिखेगी आपको, उस लाइन से इस लाइन के बीच में इस तरह के होल करने हैं ऐसे, सो दैट पानी इसके से अंदर रिचार्जिंग के लिए जा सके. इस तरह से वेल्डिंग मशीन से अगर आप होल करेंगे तो वो करेक्ट आएगा, मतलब 2-2 इंच 3-3 इंच के गैप में, 4-4 इंच के गैप में इस तरह से होल कर दिया तो इट विल कंटिन्यूसली आपका जो पानी जाने का है, द रिचार्जिंग ऑफ वाटर विल हैपन, रेन वाटर रिचार्जिंग. तो निकल गए अभी फार्म से, देखिए मस्त हरा हरा हो रहा है. आज फिर बादल लगे हैं, बट कल भी बादल लगे थे, बारिश नहीं हुई. और अब मुझे जाना, एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट इंद्रानगर, तो उसके लिए रवाना हो रहा हूँ. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. ये बेंगलोर का ट्रैफिक, शाम का वक्त है 5 बजे और दमादम बम्पर बम्पर. थोड़ा सा खाली होता है फिर शुरू हो जाता है. हम लोग की मीटिंग है, लेट हो रहा है, तो पहुंच जाएंगे अनदर 10-15 मिनट जस्ट. हो 20 का हम लोग 20 मिनट का आपकी चीज़ अल्लाह इस्लाम पे वो जस्ट 4 किलोमीटर 20 मिनट दिखा रहा है. बताइए, ये तो हाल है आजकल सिटीज का. तो पूरा मार्किंग वगैरह हो गई आज फार्म में, जैसे कि बताया था मैंने, कल से अपडेट भी आएगा, उसको पूरा वो करना है, डॉक्यूमेंट करना और लोगों को दिखाना है. तो मीटिंग सब हो गई, अब फाइनली घर पहुंच गया हूं. रात का 8 बज रहा है, 8 o'clock. लंबा दिन हो गया है, कुछ भी करिए रोज लंबा दिन हो जाता है, पर ठीक है, बिजी रहते हैं तो अच्छा रहता है. कुछ ना कुछ आज काफ़ी काम हुआ वैसे. चलिए मैं ऊपर चल के आपको मिलता हूँ. तो वही, मैं घर आके फर्स्ट क्लास नहाया फटाफट 15 मिनट में और रेडी है. देखिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या है आज. कुछ आया है सब्जी, बहुत दिनों बाद हमारे घर में बाजार से सब्जी आई है. कैबेज है, कैप्सिकम है, बीन्स है, मूली है, बाकी सब पैक कर दिया है. तो ये सब रेडी है यहाँ पे. हफ्ते भर के लिए खाने के लिए, अभी तक फार्म से ही आ रहा था, वहाँ पे साफ सफाई हो रही है,
सब्जियों की, बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, यही सब की क्लास लेता हूँ मैं, कहाँ भटकते रहते हैं क्या। फाइनली बारिश आ गई है, इतने दिनों की गर्मी और तड़प के बाद फाइनली आज बारिश शुरू। अंधेरे में तो दिखा नहीं सकता आपको, बट बढ़िया झमाझम बारिश हो रही है और दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट की अब रोज होगी। मैंने अपने लिए सूप मंगाया, अब सूप पीऊँगा, बढ़िया ककड़ी काट के रखी है सूप, बहुत भूख लग रही थी, सवेरे थोड़ा सा सलाद खा के गया था बस। चलिए दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा क्लियर सूप, ये है ऐसा सूप, बिल्कुल स्टॉक ही स्टॉक है, पालक मिलाया हुआ है। देखो ये लोग नूडल खा रहे हैं और उधर पे मांचाओ सूप पी रहा है। तो खाना वाना हो गया, बढ़िया, वेरी नाइस सूप, इट वॉज वेरी नाइस नाइस वेरी। सिर्फ पानी पानी था, विदाउट एनी चाइनीज सॉल्ट्स और सॉसेस और एनीथिंग। तो बाकी तो आपने पूरा देखा ही, आज दिन भर फट के हाथ में आ गई, काफ़ी लंबा दिन हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय, गुड नाइट।